गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी लर्न टुडे वी लर्न अबाउट न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स क्लास टू चैप्टर नंबर 11 कैन प्लस डू 11 चैप्टर नंबर 11 कैन डू। कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब। कैन क्या है? सी ए एन, कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, डू, go, play, run, fly, etc. are action verbs. Okay, do, go, play, run, play, see, save, buy. Okay, this is a fly. Okay, this is a action verb. The helping verb can and action verb together from a single verb. दोनों मिला के can plus do, can do. Okay. सिंगल वर्ब बनते हैं। ओके, दोनों मिला के सिंगल वर्ब बनते हैं। ओके, लाइक एग्जांपल, कैन गो, कैन प्ले, कैन रन, ओके, कैन डू एक्सेट्रा। कैन गो, कैन प्ले, कैन रन, कैन डू एक्सेट्रा। द वर्ब्स सो फॉर्म इंडिकेट डिफरेंट सेंस। अभी ये डिफरेंट सेंस को इंडिकेट करने के लिए कैन प्लस डू का, कैन और एक्शन वर्ब का यूज होता है। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली टू लर्न हाउ दिस वर्ब आर यूज्ड टू सेंटेंस टू इंडिकेट सर्वल सेंस। मतलब कि ये सेंटेंस आप रीड करो, केयरफुली रीड करो और देखो कि कैन का यूज़ कैसे कैसे होता है। ओके, मतलब कि फर्स्ट है वी कैन गेट द लास्ट ट्रेन। मतलब कि मैं हम लास्ट ट्रेन ले सकते थे। ओके, तो संभावना क्या इंडिकेट करता है? पॉसिबिलिटी, मतलब कि संभावना, संभावना इंडिकेट करता है। ओके, फिर सेकेंड है आई कैन रन फोर माइल्स इन एन आवर्स। ओके, आई कैन रन, मैं एक फोर माइल एक आवर्स में, एक घंटे में फोर माइल्स रन कर सकता, दौड़ सकता हूँ। मतलब कि आपकी एबिलिटी, स्किल ओके, योग्यता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? योग्यता को, क्या दर्शाता है? योग्यता। ओके, एबिलिटी दर्शाता है। ओके, लाइक आई कैन रन, आई कैन ड्रो, आई कैन स्विम, आई कैन फ्लाई। ओके, आई कैन सी, आई कैन सेव, दिस इज आप जो कर सकते हो, आपकी योग्यता एबिलिटी को कैन दर्शाता है। ओके, थर्ड है यू कैन गो नाउ। अभी आपको परमिशन के लिए, किस लिए? परमिशन के लिए, अनुमति, किसी चीज़ की अनुमति के लिए आप कैन का यूज़ करते हो। आप क्लास में बोलते हैं ना, कैन आई गो टू वॉशरूम मिस, ऐसे पूछते हो ना आप, कैन आई गो टू वॉशरूम मिस, तो ये परमिशन के लिए, अनुमति के लिए कैन का यूज़ हम करते हैं। ओके, फोर्थ है अ ट्रैफिक पुलिस मैन द कैन डिमांड योर ड्राइविंग लाइसेंस। अभी ट्रैफिक पुलिस के पास, हमारे अभी कोरोना में देख रहे हो ना, हम सबको कई ट्रैफिक पुलिस आपके पापा को या किसी भी आदमी को रोक के ऐसे खड़े रह के पूछ सकता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी के लिए। अथॉरिटी मतलब कि उसके पास ऐसा अधिकार है। क्या है? उसके पास अधिकार है कि आपको वो बीच रास्ते में भी खड़े होकर आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं। तो अ ट्रैफिक पुलिस कैन डिमांड योर ड्राइविंग लाइसेंस। अभी ओके, कैन अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड इट? ओके, नाउ चिल्ड्रन, सर कैन का यूज आप हेल्पिंग वर्ब है, कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, और द एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैन को ज्वाइन करके हम एक डिफरेंट सिंगल वर्ब बना सकते हैं, लाइक कैन डू, कैन गो, कैन प्ले, कैन रन, कैन डू। ओके, एक्सेट्रा, ऐसे एग्जांपल के लिए। और कैन का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं हम? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और अथॉरिटी के
लिए हम इंडिकेट कर सकते हैं कैन को. ओके नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अभी ये चूज करना है, चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ब लिस्ट इन द बॉक्स. अभी ये बॉक्स में लिस्ट है. ओके तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक है, उसमें आपको ये आंसर फिल करना है. फर्स्ट है यू डैश द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी विथ अ थर्मामीटर. अभी टेम्परेचर मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जानने के लिए थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं. ओके तो वीक नो हम जान सकते हैं. ओके यू कैन नो मतलब कि तुम जान सकते हो कि आपके थर्मोमीटर से आपके टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर आप जान सकते हो. ओके फर्स्ट है. सेकंड द बैट डैश थो इट्स नॉट बट द बैट कैन फ्लाई मतलब कि नॉट अ बर्ड, बर्ड्स हैं बैट हमारा बर्ड नहीं है, वो फ्लाई नहीं कर सकता है. ओके डोंट थ्रो इज नॉट अ बर्ड. ओके थर्ड है आई डैश अ कार तो आई कैन ड्राइव, कार को ड्राइव होता है ना, आई कैन ड्राइव अ कार मैं कार चला सकता हूँ. ओके आई लर्न मैन डैश मैनी लैंग्वेजेस लर्न मतलब के आदमी. ओके सॉरी द लर्न मैन मतलब के एक आदमी जो मैनी लैंग्वेज जानता है पढ़ सकता है. ओके द डॉग डैश इन द वाटर डॉग वाटर पानी में स्विम कर सकता है ना. द कैन द डॉग कैन स्विम इन द वाटर. ओके नाउ ओके नाउ एक्सरसाइज बी कैन स्टॉप मतलब कि रोकना, कैन टेक मतलब कि लेना. ओके कैन प्ले मतलब कि खेलना, कैन कैरी कैन विन. ओके माई फ्रेंड डैश द गिटार तो प्ले कर सकते हैं. माई फ्रेंड कैन प्ले, प्ले मतलब के बजा सकता है ना, गिटार को बजाना प्ले. ओके वी डैश दिस मैच तो विन, विन मतलब के जीतना. वी कैन विन दिस मैच. ओके थर्ड है द प्रिंसिपल डैश योर प्रमोशन. ओके द प्रिंसिपल डैश योर प्रमोशन कैन स्टॉप द प्रिंसिपल कैन स्टॉप योर प्रमोशन. अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो प्रिंसिपल आपकी ऊपर की क्लास में प्रमोशन रोक सकता है. ओके ऐसा मीनिंग होता है. द पोर्टर डैश द हैवी लगेज कैरी द पोर्टर डैश द हैवी लगेज कैरी यू डैश द फोटोग्राफर विथ माई कैमरा यू कैन टेक आप मेरे फोटोग्राफर विथ माई कैमरा आप मेरे कैमरे से फोटो ले सकते हो. टेक मतलब कि लेना. ओके नाउ सी एक्सरसाइज कैन बाय कैन लर्न कैन टेल कैन ईट कैन कैरी. बाय है, लर्न है, टेल है, ईट कैरी ये सब एक्शन वर्ब है. ओके इसके साथ कैन को ज्वाइन करके हमने सिंगल वर्ब बना दे. कैन बाय कैन लर्न कैन टेल कैन ईट कैन कैरी. नाउ सेंटेंस वी डैश मैनी थिंग्स बाय प्रैक्टिस आप वी कैन लर्न. ओके प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. ओके लर्न मतलब सीखना. ओके द सेकेंड दिस बस डैश 60 पैसेंजर दिस बस मतलब कि 60 पैसेंजर को ये बस कैरी कर सकती है. ओके कैन कैरी दिस बस कैन कैरी 60 पैसेंजर. नाउ थर्ड द पेशेंट डैश लाइट फूड नाउ द पेशेंट मतलब कि दर्दियों को कैन ईट क्या खाना चाहिए तो लाइट फूड. ओके द पेशेंट कैन ईट लाइट फूड नाउ.
फोर नंबर ओनली द रिच कैन डिमांड डायमंड्स एंड जेम्स. अभी इसमें क्या है, ओनली द रिच मैन, रिच कैन बाय, पैसे वाला ही डायमंड्स और जेम्स ओके वगैरह खरीद सकता है ओके. तो कैन बाय माई वॉच डैश मी द टाइम द डे एंड द डेट ओके. द माई वॉच टेल कैन टेल, मेरी घड़ी मुझे टाइम दिन का और डेट बताती है ओके. डे और डेट बताती है, टाइम और डेट ओके. नाउ डी नंबर एक्सरसाइज ओके. डी नंबर कैन सी कैन सेव कैन फिनिश कैन लर्न एंड कैन लाइव. तो फर्स्ट है आई डैश दिस वर्क इन टू डेज. तो आई कैन फिनिश दिस वर्क, मैंने अपना होमवर्क ये काम दो दिन में फिनिश कर दिया ओके, टू डेज. सेकेंड है द कैमल डैश विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम ओके. तो कैमल कैमल कैन लाइव, अभी विदाउट फूड, पानी और फूड के बिना लॉन्ग टाइम तक कैमल इन रह सकता है ओके, डेजर्ट में. थर्ड है द कैट डैश इन द डार्क कैन सी, मतलब कि कैट कैन सी डार्क, मतलब कि अंधेरे में कैट अच्छी तरह देख पाती है ओके. नाउ आई डैश द 100 रुपीज़ अ मंथ तो सेव मैं, नाउ आई कैन सेव, सेव मतलब कि बचाना, मैंने एक महीने के अंदर 100 रुपीज़ बचाए है ना. वी डैश मैनी लेसन्स फ्रॉम द अवर मिस्टेक. वी कैन लर्न मैनी लेसन वी कैन लर्न, मतलब कि मैंने अपनी मिस्टेक भूलों से मैंने बहुत सारे पार्ट सीखे. हम जब भी कुछ भी मिस्टेक करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, नया सीखते हैं ओके. तो कैन लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम द मिस्टेक, मिस्टेक से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं ओके. नाउ चिल्ड्रंस योर चैप्टर नंबर 11 कैन डू इज फिनिश्ड ओके. नाउ ये आपको आंसर आपकी नोटबुक में कॉपी कर लेनी है ओके. और बार बार पढ़ते जाना है तो आपको अच्छे से याद रहेगा ओके. टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रंस.